हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ सासू माँ की रेसिपी जिसका नाम है प्याज आलू के पकौड़े। और ये उन्होंने किस तरीके से बनाई है हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं वो हम लोग देख लेंगे। और आप लोग देखकर अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये खाने में कितने टेस्टी होंगे जितने देखने में ये टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमने इनको बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की है। तो सबसे पहले यहाँ पर कट करके रखे हैं आलू। आलू को हम इस तरीके से कट करके ही रखेंगे और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है कट करने के बाद। अब कट करने के बाद हमें इन्हें पकौड़ों में इस तरीके से यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको इस तरीके से कूटा जा रहा है, यानी इन्हें थेतो किया जा रहा है। तो मैंने थेतो करके इसे बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कूट कर आलू को इस तरीके से ही रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपरेशन क्या क्या की हुई है। आलू को थेतो करके रखा है, यानी कूट के रखा हुआ है। प्याज रखा है, जिंजर गार्लिक को ग्रेट करके रखा है, हरा धनिया है और साथ में हरी मिर्च है। तो एक बोल में इन सभी चीजों को हम ऐड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से देखने में आपको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी था ये। तो इस तरीके से एक बोल में इन सभी चीजों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें ऐड करा है हल्दी हाफ टी स्पून के बराबर, कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून के बराबर, साथ में इसमें सॉल्ट ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऐड कर दिया है बेसन। तो बेसन जब ऐड कर देंगे, बेसन ऐड करने के बाद इसमें किसी भी तरीके का कोई पानी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्याज और आलू है। प्याज और आलू का जो पानी निकलेगा उससे ही पूरा इसको मिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ से उसको पेस्ट बनाया गया। और जैसे ही वो पेस्ट तैयार हो गया, पेस्ट तैयार होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई में तेल दिया हुआ है और इसमें धीरे धीरे करके पकौड़ों को ऐड किया जा रहा है। तो इस तरीके से पकौड़े इसमें ऐड कर दिए गए और बिल्कुल इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाया गया है, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाने से क्या होता है कि पकौड़े अंदर से अच्छे तरीके से पक जाते हैं, यानी फ्राई हो पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें दूसरी साइड से फ्राई किया जाएगा। तो इन्हें हम पलट देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। इन्हें थोड़ा सा लाल लाल सा ही फ्राई किया जाएगा, क्योंकि इसमें कच्चे आलू को इस तरीके से थेतो करके दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आलू और प्याज के पकौड़े ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इन्हें इवनिंग टी के साथ एज अ स्नैक्स खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे बने थे और आप अपने घर में इस तरीके से प्याज और आलू के पकौड़े बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरीके के और चटपटी वीडियोस लेकर। मैं ज़रूर आऊँगी चटपटी रेसिपीज़ के साथ। और ये थी मेरी सासू माँ के हाथों से बनी हुई रेसिपी प्याज आलू के पकौड़े। पसंद आई है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।